बोलो उसके बारे में बीती नहीं बोलते उसको। कितने भाग भाग कर बीजेपी में जा रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, मगर जब अवैसी आकर सीमांचल जिंदाबाद सीमांचल इंसाफ की बात करता है तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जब करोली मान बिहार की विधानसभा में गरीब और मजलूमों की आवाज बनकर उनके हक की बात करता है तो उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तेजस्वी यादव को जरा सोचना चाहिए था कि जब तुमको मजलिस की जरूरत पड़ी तो करोली मान को बुलाया और बोला कि अख्तर भाई हमारा साथ दे दो। तेजस्वी तुमने जो चार गुलाब जामुन समझकर हमारे विधायक को खा दिया वो हजम कर गए तुम उनको। क्या किया तुमने उन चारों का? कहां मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे वो लोग? आज अख्तर अली मान से कह रहे, अरे हमने पहले दिन से कहा था तुम बीजेपी से कभी समझौता नहीं करने वाले, हम कभी समझौता नहीं किए ना करेंगे कभी इंशाअल्लाह ताला। दो दो मरतबा नीतीश कुमार को तुमने मुख्यमंत्री बनाया और दो दो मरतबा नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया और बीजेपी को सत्ता दी, मगर बताओ इनकी जबानें बंद है? जबानें बंद है, कुछ नहीं कहते। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे सिर्फ यही अपील करने आए हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के 370 का जो दावा कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, सेकुलरिज्म को हकीकी कामयाबी दिलाने के लिए, सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए, बिहार के गरीब और मुजलिमों के ताकतवर आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए, वतन अजीज के गरीब और मजलूम अकलियतों की आवाज को बिहार से पार्लियामेंट तक भिजाने के लिए हम आपसे ये अपील करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि आप अब की बार मजलिस को वोट दीजिए। जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो सिर्फ तुम्हारा वोट लेना चाहते हैं और उसके बाद वो बीजेपी को इख्तदार देना चाहते हैं। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज को लोकसभा तक भिजाइए ताकि आपके इतिहास। तेजस्वी ने यही कहा था सर कि डेवलपमेंट का। हाँ, ये जो तेजस्वी यादव है यहीं पर कहा था सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे, कहा था ना, यही कहा था। हमारी बात का यकीन कर लो, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड कहां गया? हजम कर गए तुम उसको भी? जब वोट लेना आता है तो सब खड़े होकर झूठी बातें करते हैं। और सिर्फ क्या कहा था तेजस्वी ने, हैदराबाद से ओवैसी आया इसको बिरयानी खिलाकर भिजा दो। अरे तेजस्वी, तुमको कभी खाने की जरूरत पड़ गई तो हम अपने घर से भिजाने को तैयार हैं। बताओ, मगर तुमने सीमांचल की जनता का खाना छीन लिया, तुमने सीमांचल के गरीबों से इंसाफ नहीं किया। तुम तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, चाचा को मुख्यमंत्री बना दिए और खूब तुमने गुलाब जामुन खाए, खूब मलाई खाई, मगर सीमांचल की जनता परेशान है। तो इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप आने वाले चुनाव में मुत्तहिदा तौर पर मजलिस का साथ दीजिए। हम पिछले बार भी एक ही सीट पर लड़े थे, दूसरी सीट पर नहीं लड़े तो कई सीटों पर बीजेपी जीत गई, मगर अब की बार इंशाअल्लाह ताला किशनगंज भी लड़ेंगे और भी कई पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम सोच और विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं, ये मिलावटी ये मिलावे लोग नहीं रोक पाएंगे। ये कभी भी किसी भी कीमत पर आपका सौदा कर जाएंगे।
तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने मुत्तहिद रहिए, मजलिस को मजबूत रखिए, क्योंकि मगरिब का वक्त भी होने जा रहा है। हम आपसे इजाजत चाहते हैं और फिर से आपसे कह रहे हैं कि यकीन जान लीजिए।